गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप लोगों का वेलकम है इल्म अकेडमी चैनल के अंदर और आप लोग देख रहे हैं इल्म अकेडमी चैनल की वीडियो। तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि गाइस हम एक्सेल के अंदर हम कैसे, ये मेरा पार्ट वन है, क्लास वन है जो मैं इसमें आपको देऊँगा। हम पार्ट सेवन तक के रखने वाले हैं जिसके अंदर प्रॉपर आपको 15-15 मिनट की क्लासें हैं और जिनमें आपको प्रॉपर एक्सेल सिखाया जाएगा। ठीक है गाइस, एक्सेल आपको पूरा मुकम्मल हम पूरा सिखा देंगे, आपको कहीं भी कोई सी भी वीडियो या कोई सा भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको देख के ही आपको सब समझ में आने लग जाएगा। तो बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, कोई शॉर्टकट की या कोई शॉर्टकट तरीका मैं नहीं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम आज क्या सीखने वाले हैं, जो बेसिकली हमारा एक्सेल होता है वो हम देखेंगे, वो किस तरीके से उसका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ना चाहिए और फॉर्मूला, हम सम इफ़ का फॉर्मूला भी देख सकते हैं और आप किसी भी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये वीडियो देख के, हमारा पार्ट वन देख के ही आप कर सकते हो कि कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, प्लस किस तरीके से करते हैं, माइनस किस तरीके से करते हैं और फॉर्मूला लगा के प्लस कैसे करते हैं। आप अगर सारी वैल्यू को, एक बहुत बड़ी वैल्यू है, आप उसको अगर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर आप लोगों को हमारी ये वीडियो देख के आप चुटकियों में ही उसको बहुत आसानी से प्लस कर पाओगे। आपको ना कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक्सेल बनाया ही इसलिए है ताकि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है गाइस, तो चलते हैं गाइस एक्सेल की तरफ। हम गाइस आ चुके हैं एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर आने के लिए आपको छोटे छोटे बॉक्स दिए जाएंगे और साइड में इसके नंबर दिए जाएंगे। अब जैसे ही मैं गाइस बी पे हूँ तो आपको साइड में शो हो रहा होगा A1, क्योंकि मैं A कॉलम के फर्स्ट उसमें हूँ। इसको बोलते हैं सेल, ये छोटे छोटे बने हुए गाइस इसको सेल बोलते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो यहाँ पे डी का ये दिखा रहा है 13, ऐसे ये दिखाता चले जाएगा। अब आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे आए जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप सीधे क्या करें, कंट्रोल दबाएं और एरो की दबाएं नीचे वाली, तो आप बिल्कुल नीचे वाली रो में पहुँच जाएंगे, मतलब आप नीचे वाली लाइन जो है पहुँच जाएंगे। ऐसे ही आप ऊपर आ सकते हैं, कंट्रोल दबा के एरो की ऊपर वाली दबाएँ तो आप ऊपर भी बहुत ईजीली आ सकते हैं गाइस, बहुत ईजीली। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो टेक्स्ट का साइज़ वाइज, तो टेक्स्ट का साइज़ वगैरह है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे एमएस वर्ड के अंदर हम छोटा या बड़ा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एमएस एक्सेल में करते हैं। ठीक है गाइस, ये सब आप लोगों को मैंने बता दिया और आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा फार्मूला की, जिस पे मैं लिख रहा हूँ। फार्मूला की भी लिखूँगा तो जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूँगा वो उसमें भी लिखा हुआ आएगा। जैसे हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला हमारा लिखा हुआ आएगा, या हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऐसा मैं कह देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और हम आज ये भी सीखेंगे कि सेल्स को मर्ज कैसे करके एक कॉलम बनाते हैं। ये मैं करा मर्ज और ऊपर लिखा हुआ मर्ज एंड सेंटर, सेलेक्ट करके आपको उसको दबा देना है, तो देख ही सकते हैं। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को बड़ा करके लिख रहा हूँ सम इफ़, क्योंकि ये सम इफ़ का मैं असाइनमेंट कह लें आप, या इसको, या अब इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सम इफ़ मतलब जमा कैसे करते हैं। ठीक है, सम इफ़ प्लस सम इफ़ भी बताऊंगा कि जमा कैसे किया जाता है। और आप बैंक में या किसी भी फील्ड में आप जॉब करोगे तो वहाँ पे भी आपको ऑफिस वर्किंग के थ्रू वो ले लेंगे, अगर आपको एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड आपको आता होगा तो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखता हूँ मैं सीरियल नंबर, क्योंकि यार सीरियल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम सीरियल नंबर वाइज काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एस और एन ओ, इसका मतलब होता है गैस आप लोगों को तो पता ही होगा सीरियल नंबर। और ये भी मैंने बहुत आसान कर दिया, पहले पे लिखे ऊपर लिखे 1 और 2, उल्टी सिलेक्शन लें, उल्टी सिलेक्शन ला के कॉर्नर पे आएंगे तो कुछ इस तरीके का सिंबल बन जाएगा आपका। उसको खींच के ना गाइस, देखिए मैंने खींच रहा हूँ ना, उसको खींच के 10, 9 लिखा हुआ रहा होगा, काउंटिंग चल रही होगी, आप छोड़िएगा, बस जितनी भी आपको काउंटिंग चाहिए आपको काउंटिंग भी ऐसे ही मिल जाएगी। तो देखें कितनी इजीली मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिख ली है।
गाइस इनको मैं कर लेता हूँ मर्च, मर्च में कर रहा हूँ। देखें एंड मर्च पे दबाया तो मैं सेंटर, एंड मर्च पे दबाया तो मैं इस तरीके से मैं सारे कॉलम मर्च कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, मर्च कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही। आपने मर्च कर लेना है वन बाय वन कॉलम, अगर आपके पास एमएस वर्ड है तो। एमएस वर्ड नहीं है तो आपको कहीं से भी एमएस वर्ड देखने को या मिल जाएगा है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है, मर्च करना है आपको। मर्च करने के बाद आपको मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। बिल्कुल मैं सारे कॉलम देखें मैंने मर्च कर लिए हैं। डेस्क के नाम लिख लिए हैं मैंने, नेम लिख लिए हैं, एरिया नेम लिख लिए हैं। क्योंकि ये सब मैंने यूं लिखा है, कभी आप सोच रहे हो हमें वीडियो नहीं दिखाई और ये सब लिख लिया, तो मैं आप लोगों को ये वीडियो मैंने इसलिए स्किप करी है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो बिल्कुल भी। ये सब आप जैसे लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली आप लिख लेंगे। मैंने यूँ लिखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और टाइम आपका बचे है। तो यहाँ पे सीधा अगर बराबर वाले का मैं फार्मूला है, सिर्फ उसी का ही फार्मूला है, वो मैं आपको बता दूंगा। पर आप अगर उसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, बार-बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं आ रहा वो लिखा हुआ, मतलब एरर दे रहा है हमारे को ना, हमें वो एरर दे रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। जैसे ही आप नंबर लिखेंगे ना, बिल्कुल जैसे आपके माइंड में नंबर होंगे, कोई से भी नंबर लिख लीजिएगा, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। आप लोगों को ये फार्मूला किसी ने भी नहीं बताया होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही हेल्प देगा ये ऑफिस वर्किंग के अंदर, ख़ास तौर पे आपको बहुत ही हेल्प देने वाला है ये फार्मूला। ठीक है गाइस, और ये फार्मूला गाइस आपको हर जगह अप्लाई करने को मिल जाएगा। अगर आप बैंक में जाएंगे वहाँ पे प्लस का काम होता है सारा, तो यहाँ पे आपको प्लस का भी फार्मूला मैं आपको बता दूंगा गाइस कैसे होता है। ठीक है गाइस, और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, वो भी हम एक्सेल के। मैंने आपको बताया है कि हम पार्ट 7 तक जाएंगे, ये पार्ट 1 है अभी। पार्ट 1 में देखें मैंने आपको कितना कुछ सिखा दिया है और कितना कुछ बता भी रहा हूँ ये हमारे। अगर आपने पार्ट 7 भी देख लिया नंबर वाइज आप हमारे पार्ट देखते गए, तो आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ पे MS Excel पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल पहले लिखेंगे हम इज इक्वल। अगर आपने इज इक्वल नहीं लिखेंगे ना, तो फार्मूला वो अप्लाई ही नहीं होगा, इज इक्वल लिखना लाजमी है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम इफ़ यहाँ पे लिख देते हैं हम। सम इफ़ के ब्रैकेट ओपन किया है मैंने, ब्रैकेट ओपन करके रेंज ले लेंगे हम। रेंज कैसे लेंगे, एरो की को दबाइएगा तो यहाँ पे इस टाइप की रेंज आ जाएगी। नेम की रेंज लेनी है आप अपने पास, एक रफ कॉपी में लिख लें आप, नेम की रेंज लेनी है। ठीक है, हम लगाएंगे अब यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे देखें एरर दे रहा है। अगर आपने इतना फॉर्मूला लगा के भी आपने इंटर कर दिया, आधा फॉर्मूला लगाया आधा लगाया ही नहीं है, तो वो इस तरीके का एरर दे सकता है और देता है इस तरीके का एरर। अगर आपने आधा फॉर्मूला लगाया तो देखें वहीं तक आ गए हम, रेंज हमने ले लिए, कोमा लगाएंगे इसके बाद, हम कोमा लगाएंगे नीचे वाला कोमा, फिर कोमा लगा के एक दफ़ा हम इसका नाम लिख देंगे, जिस नाम के हमने रेंज लिए ना उसका हम नेम लिख देंगे, ताकि फॉर्मूला को आराम से पता इजीली, बहुत इजीली पता चल जाए कि हमने इसी की ही रेंज लेनी है। फिर कोमा लगा के बराबर वाले की रेंज ले लें अपनी, जो आपने नंबर लिखा है। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज करके आप इंटर करेंगे, जैसे ही आप इंटर करेंगे वैसे ही आपके सामने ये आ जाएगा, मकसद जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही आपने ये करना है। अगर आपका देखें प्लस का काम है तो बहुत ईजीली यहाँ से हो जाएगा। और देखें ये खाली है, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे, तो फॉर्मूला बॉक्स में या फॉर्मूला बार के लिए बॉक्स के लिए बात एक ही आ जाती है। यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले देखे, मैंने आधे से ज़्यादा यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं आपके सामने एक और दफ़ा आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो आप दोबारा लिख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा लिख लीजिएगा अगर आप भूल गए हो तो। दोबारा कह रहा हूँ, अपने पास ये फॉर्मूले लिख लें।
आगे जाके ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। आगे जाके हम पार्ट 7 तक जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला। एक एक फॉर्मूला जो मैं बताता जाऊँ वो आपने कॉपी करना है, ठीक है। इसका आपने ज़रूर से कॉपी कर लेना है, आपने ज़रूर से कॉपी कर लेना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप करने के लिए बैठो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यार नहीं समझा। मोबाइल आपके हाथ में ही होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लें, दोबारा पीछे जाके देख लें वीडियो को, ठीक है। दोबारा पीछे जाके देखने से ये होगा जो आपके माइंड में नहीं होगा, वीडियो को एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा देखें। बात जो मैं कर रहा हूँ वो आपके समझ आनी चाहिए, बस मेरा बात करने का सिर्फ मतलब मकसद यही है कि आपको समझ में आनी चाहिए मैं बात क्या कर रहा हूँ, किस टॉपिक पे कर रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो मैंने ऊपर लगाया था। फॉर्मूला इज इक्वल सम इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया हमने, ये देखिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का रेंज ले लेंगे, रेंज लेने के बाद कोमा लगाएंगे, ऊपर कोमा लगाएंगे, नाम लिख देंगे जिसकी हमने रेंज ली है, कोमा लगा देंगे, रेंज ले लेंगे दोबारा रेड वाली, ब्रैकेट क्लोज एंटर। साफ साफ बात है, ऐसे आप करें इंशाल्लाह आपका बहुत ये हो जाएगा। तो अब टोटल, टोटल कैसे करना है, सारी बात आती है टोटल पे, तो टोटल किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। टोटल का वे बहुत आसान है, बहुत इजीली आपसे टोटल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मर्ज कर लेना है, जैसे मैंने आपने ऊपर किया है मर्ज, बिल्कुल इजीली वैसे ही कर लेना है। आपने यहाँ पर मर्ज करके यहाँ पर इस दोनों को भी आपने मर्ज कर लेना है, जहाँ पे आपका आप यहाँ पे इनका आंसर लिखोगे वो आपने मर्ज कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, क्योंकि हम टोटल अमाउंट इन दोनों का निकालने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें लिखना है टोटल। टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे क्या करना है, मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, इज इक्वल सम लिखना है। यहाँ पे ऊपर हमने लिखा था सम इफ, सम इफ नहीं लिखना है, इज इक्वल सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ऊपर से रेंज ले दी आती है, शिफ्ट को दबा के रेंज ले लीजिए, रेंज ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने इंटर करना है। इंटर करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी करनी है, यहाँ पे ऐसे ही करना है, कोई इतना रॉन्ग वे नहीं है, बिल्कुल आपने ऐसे यहाँ पे भी वही तरीका है जो हमने बराबर वाले में किया था, वही तरीका है, कोई इतना लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर लगाने वाले हैं सबों के ऊपर। बॉर्डर लगाना भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखा दूँगा, मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख। आपने सबों को सिलेक्ट करना है और ये ऊपर का बॉर्डर का आपको दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। बॉर्डर पे आपने क्लिक करने के बाद अभी देखें बॉर्डर का ये कुछ इस तरीके का, और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस होगा। आपने जितनी थिक लेनी है उतनी थिक लें और यहाँ पर लगा दें, कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लगाइएगा। इंटर कर दें, ओके कर पे, ओके पे क्लिक करना चाह रहे हैं ओके पे कर दें। तो यहाँ पे देखें कितनी अच्छी तरह हमारा ये जो है फॉर्मूले भी अप्लाई हो गए हैं, और यहाँ पे बहुत सारा हमारा अप्लाई हो चुका है, बॉर्डर भी यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे हमारा काम होता है वाइंड अप। अगर आप कुछ और इसमें मजीद करना चाहते हैं, हाँ बॉर्डर को अगर हटाना है तो आप इस पे जाएं रेजर पे, तो यहाँ पे रेस करेंगे तो देखें वो बॉर्डर हट गया वहाँ से हल्का सा ना, एक लाइन का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास हमारी आती रहें,
आती रहें ऐसी वीडियो, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होती हैं, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा हमारी वीडियो के अंदर। ठीक है गाइस, बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई पागल बनाता है, कोई कुछ करता है, नहीं, मैं आपको प्रूफ के साथ कहता हूँ मैं आपको, आपने ज़रूर आना है।